So guys, in this video we are going to learn how to create this type of social media poster in Photoshop. So let's get started. So यहाँ पे पहले तो हमें कैनवास साइज जो है सिलेक्ट करना है न्यू डॉक्यूमेंट का, देख सकते हो यहाँ पे 2420 एंड हिट प्रेस ओके। सो ये कुछ बैकग्राउंड है, उसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे ग्रेडियंट ओवरले। कलर आप अपने हिसाब से कोई भी जो आपको पसंदीदा कलर है उसका ग्रेडियंट जो यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे जो है ऑलरेडी वहाँ पे टेम्पलेट्स है, सो उसमें से कोई भी कलर चॉइस कर लो। ओके, देन हमें जाना है एलिप्स टूल सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पे जो है एक सर्कल ड्रॉ करना है कुछ इस तरह से। इसको जो डुप्लीकेट करेंगे ऑल्ट प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे एंड साइड में ड्रैग करेंगे। आप जहाँ चाहे उसको ड्रैग करके जितने चाहिए उतना मर्जी डुप्लीकेट कर सकते हो। कंट्रोल जे शॉर्टकट की भी है और ऑल्ट प्रेस एंड होल्ड करके ड्रैग भी कर सकते हो। ओके, कुछ इस तरह से। सो इसका जो इस पर देख सकते हो स्ट्रोक लगा है, तो हमें स्ट्रोक नहीं चाहिए। एक ब्लैक लाइन दिख रही होगी आपको, अगर आपको रखना है तो रख सकते हो, बट ये नहीं चाहिए तो इसको जो है यहाँ से स्ट्रोक को हाइड कर देंगे। ओके, कुछ इस तरह से। फिर हमें जो है हमें बैकग्राउंड पे एक ग्रेडियंट ओवरले लगाया था उसको कॉपी करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी लेयर स्टाइल एंड जो ये सर्कल से उसके ऊपर जो है पेस्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड पेस्ट लेयर स्टाइल। सो देख सकते हो जो ग्रेडियंट नीचे का था वो जो है सर्कल पे ऊपर आ गया है। सेम ऐसे सारे जो है सर्कल को कॉपी करके पेस्ट कर लो। ओके, देख सकते हो। और अब चाहिए तो डुप्लीकेट भी कर सकते हो जितने चाहिए आप मर्जी। यहाँ पे जो है आप जितने चाहिए जो है सर्कल ऐड कर सकते हो। सो इन सारे लेयर्स को थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ और सिलेक्ट करेंगे, और पहले तो नीचे वाले लेयर सिलेक्ट करेंगे और फिर सबसे ऊपर वाली शिफ्ट जो है प्रेस एंड होल्ड करके जो है सारे लेयर को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जी करेंगे। ओके, नाम देंगे बैकग्राउंड, क्योंकि ये हमारा बैकग्राउंड है, ये जो हमने तैयार किया है। आज कुछ अब नया सीखा होगा। ओके, थैंक्स टू मी। सो चलिए अभी लेते हैं एक सोशल मीडिया यानी कि इंस्टाग्राम का जो ये मैंने PNG ऑलरेडी जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जो है PSD डाउनलोड कर सकते हो। ओके, एंड एक इमेज चाहिए, दोनों भी यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ और इसका जो बैकग्राउंड हटा देता हूँ। पहले आप जो है अपनी इमेज ले लो। ओके, इसका भी मैं दे दूंगा उसी के अंदर, सब डाउनलोड कर देना डिस्क्रिप्शन से। उसका बैकग्राउंड जो है मैंने हटा दिया है, देख सकते हो, एडजस्ट कर लो आप जो नीचे वाले लेयर है उसके अकॉर्डिंग। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ और इसके ऊपर जो हम मास्क अप्लाई करेंगे, क्योंकि जो ये कटा हुआ पार्ट है उसका जीन्स का वो एकदम शार्प कट है, सो उसके ऊपर जो हमें थोड़ा सा ब्लरी चाहिए, तो मास्क अप्लाई करेंगे और ब्रश टूल का मदद लेंगे, सब ब्रश सेलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा जो है ड्रैग करके इसको मिटा देंगे कुछ इस तरह से। आप ये नहीं भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। ओके, और फिर ये दोनों जो बैकग्राउंड मतलब एक इमेज और उसका फिर सब्जेक्ट निकला था उसको कंट्रोल जी करेंगे, ग्रुप करके एक जो है नाम देंगे, क्योंकि फिर क्या है समझने में आसान हो। फिर ये जो है सोशल मीडिया पोस्ट देख सकते हो उसका जो है ये इंस्टा का, उसके ऊपर कंट्रोल प्रेस एंड होल्ड करके जो है क्लिक करना है, ये सिलेक्शन बन जाएगा उस PNG का, देख सकते हो। फिर नीचे वाले ऊपर वाली जो लेयर है गर्ल की उसको सिलेक्ट करना है, अल्ट प्रेस एंड होल्ड करके जो है मास्क के ऊपर क्लिक करना है, इससे जो है इनवर्ट मास्क जो है लग जाएगा। और फिर ब्रश टूल मदद लेंगे ब्रश टूल का एंड बैकग्राउंड फोरग्राउंड कलर जो है वाइट रखेंगे एंड रिवील करते जाएंगे। हमेशा याद रखना वाइट जो है रिवील करने के लिए एंड ब्लैक जो है मिटाने के लिए। ओके, इरेज करने के लिए। सो कुछ इस तरह से रिवील करते जाएंगे, अगर आपका गलती से फोरग्राउंड में ब्लैक रहेगा तो मिटाते जाएगा। सो आपको अगर ये नीचे वाला जो पोर्शन है वो नहीं चाहिए तो ब्लैक जो है फोरग्राउंड में सिलेक्ट कर दो और ड्रैग कर दो ऐसे, सो ये मिट जाएगा कुछ इस तरह से। फिर हमें जो है अभी चाहिए सोशल मीडिया एलिमेंट्स यानी कि लाइक्स कमेंट्स जो भी है यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। डाउनलोड लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, सो आप ये जो है डाउनलोड करके आप अपने अकॉर्डिंग जो इसको बना सकते हो। ओके,
यहाँ पे मैं वन बाय वन मैंने बहुत सारे 3D जो है PNG डाउनलोड करके रखा है, आपको फ्री में मिल जाएंगे, डोंट वरी। सो कुछ इस तरह से ब्लर इन्हें देते हैं और बहुत सारे इमेजेस डालने के बाद कुछ इस तरह से हमारा जो पोस्टर बन जाएगा। आई होप ये वीडियो जो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोज जो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, सो मेक श्योर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, बाय।